डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत आसान बना दिया है। जहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी आपको लाखों करोड़ों कस्टमर्स को वन क्लिक के ऊपर अवेलेबल करती है और आपकी प्रोडक्ट उन तक पहुँचाती है, उधर ही मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा भी अवेलेबल है ऑनलाइन कि जिसको यूज़ करके आप अपने बिजनेस के लिए सही और अच्छे डिसीजन कर सकते हैं। दुनिया के तमाम बिजनेसेस, ख्वाह वो छोटे हों या बड़े हों, डाटा के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपको डाटा एनालाइज नहीं करना आता और डाटा की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं आती, तो आप आजकल के दौर में कभी भी बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते। एक छोटी सी कंपनी जो ऑनलाइन कपड़े बेचती है, ख्वाह वो लाहौर में हो या ख्वाह दुनिया के किसी बहुत बड़े शहर में हो, वो भी डाटा की बेस के ऊपर डिसाइड करती है कि उसने अगली मार्केटिंग कैंपेन कैसे चलानी है, कितने बजे चलानी है, किन कस्टमर्स को टारगेट करना है और कौन सा पैगाम है जिसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। और अगर डाटा वो यूज़ नहीं करती तो कभी भी उस कंपनी को ये पता नहीं लगेगा कि उसके कस्टमर एक्चुअली चाह क्या रहे हैं। और द मोमेंट यू आर आउट ऑफ टच विद योर कस्टमर्स, तो बेतहाशा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कस्टमर आपका किसी और ऑप्शन पे चला जाएगा और वहाँ से जाके ख़रीदारी शुरू कर देगा। लेकिन ये एनालिटिक्स होती क्या है, आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर नज़र डालते हैं। एनालिटिक्स इज़ यूजिंग मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू फाइंड मीनिंगफुल पैटर्न्स एंड नॉलेज इन रिकॉर्डेड डाटा। यानी कि जो डाटा अवेलेबल है ऑनलाइन, उसको यूज़ करके वो पैटर्न्स निकालना कि जो आपके बिजनेस को डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं। अब मार्केटिंग वाले के लिए हो सकता है कि प्रिडिक्टिव मॉडलिंग और डाटा एनालिसिस शायद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ना हो और शायद इसके लिए यूज टू भी ना हो, क्योंकि स्टैटिस्टिशियन तो यूज टू होते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए, मार्केटिंग वाले नहीं होते। ये तो हो गई एनालिटिक्स की डेफिनेशन। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्यों इतना ज़रूरी है कि हम एनालिटिक्स को, डाटा को यूज़ करें और उसकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करें? सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ऑफ व्हाई एनालिटिक्स इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट दीज डेज इज़ एबंडेंस ऑफ डाटा। बहुत डाटा मौजूद है ऑनलाइन, अगर आप उस डाटा को यूज़ नहीं करेंगे तो आपका कंपेटिटर यूज़ करेगा और कंपेटिटर जब यूज़ करेगा तो वो आपसे बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो जब इतना ज़्यादा डाटा मौजूद है तो उसको एनालाइज करना यानी एनालिटिक्स उसके ऊपर अप्लाई करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तमाम कंपनीज ये काम कर रही हैं, बल्कि अब तो तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर के लिए जो ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं उसमें डाटा एनालिटिक्स बिल्ट इन पार्ट है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ऑफ व्हाई यूजिंग और यूजिंग एनालिटिक्स इज या कीवर्ड्स इनसाइट। जब भी आप गूगल एडवर्ड की कैंपेन चला रहे होते हैं या इवन फेसबुक पे कैंपेन चला रहे होते हैं, तो डाटा एनालिटिक्स आपको डाटा की फॉर्म में और डिसीजन मेकिंग की फॉर्म में ये प्रेजेंट कर रहा होता है कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जो आप यूज़ कर सकते हैं आप अपनी अगली कैंपेन के लिए, और उनकी इफेक्टिवनेस कितनी ज़्यादा होगी ये भी आप जज कर सकते हैं और फोरकास्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन एनालिटिकल डाटा। तीसरे नंबर के ऊपर कंज्यूमर इंसाइट्स भी या कस्टमर इंसाइट्स भी आपको मिल रही होती हैं। आप गौर से देख रहे होते हैं कस्टमर आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट दे रहे हैं, नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं, और उसकी बेस के ऊपर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। कंटेंट एंड प्लेटफॉर्म इनसाइट भी आपको मिल रहा होता है थ्रू एनालिटिक्स कि जो आपने कंटेंट बनाया क्या उसका कोई यूजेज प्रॉपर तरीके से हुई, उसकी कोई इफेक्टिवनेस थी, और जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं क्या वो भी इफेक्टिव है या नहीं है। हो सकता है आपको एक प्लेटफॉर्म पसंद है और आप वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आगे जो आपके कस्टमर्स हैं वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करते। Analytics help you in maintaining and developing quality also for your content in the future. आपको अपनी quality of the content के बारे में पता लग रहा होता है, आपको website की quality के बारे में पता लग रहा होता है, आपको ये पता लग रहा होता है कि आपका customer आपके content को पसंद भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो आप समझते हैं कि आपकी website इतनी आपने अच्छे तरीके से बनाई हुई है कि customer उसको समझता है कि ये अच्छी website है या नहीं है, तो आपको quality improve करने का मौका मिल रहा होता है अगर आप analytics को अपनाते हैं। और लास्ट के अंदर सबसे मेरा फेवरेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट ट्रेंड्स का आपको थ्रू एनालिटिक्स पता लग रहा होता है, क्योंकि इतना डाटा मौजूद है, वो डाटा तमाम कस्टमर्स ओरिएंटेड डाटा है जिसकी बेस के ऊपर आप ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा फ्यूचर में अब मार्केट का ये ट्रेंड होगा, इस वजह से हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से इन डिसीजंस की बेस के ऊपर उन ट्रेंड्स के लिए तैयार करना है, ये तमाम चीज़ें आप थ्रू एनालिटिकल डाटा कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर जॉब्स अवेलेबल हैं कि जहाँ स्पेसिफिकली क्लाइंट ये कहता है कि भाई या तो आप डाटा को खुद फाइंड आउट कर लें या आप हमसे डाटा कर लें या ले लें और उसको एनालाइज करके हमें रिपोर्ट्स बना के दें और हमें सजेस्ट करें कि हम अपने बिजनेस के लिए क्या क्या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और वो काम एज ए फ्रीलांसर, एज एन एडवांस्ड डिजिटल मार्केटर आपको करना होता है। आगे चल के अगले सेशंस के अंदर मैं आपको मार्केटिंग एनालिटिक्स का या एनालिटिक्स का एक जनरल सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा जिसको हम गूगल एनालिटिक्स का नाम देते हैं। इट्स अ मोस्ट कॉमन यूज सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, और अगले चल के सेशंस के अंदर हम उसको सीखेंगे।